मित्रों, जीवन में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं। एक वो जिससे आपको प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े, दूसरा वो जिससे बहुत प्रेम हो, हद से ज़्यादा प्रेम हो और उसके बिना रहना पड़े। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मेष राशि वालों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपने नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मेष राशि वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे। उसके बाद हम मेष राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं कि मेष राशि वाले कैसे होते हैं। मेष राशि के लोग हमेशा ही जीवन के प्रति एक नई ऊर्जा और उत्साह वाले लोग होते हैं, जो निडरता और अपने साहस के लिए जानी जाती है। अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने में विश्वास रखते हैं। इन्हें अपनी विचारधारा के साथ किसी तरह का कोई समझौता करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। मेष राशि वालों को अक्सर उनके उदार स्वभाव के लिए जाना जाता है। कोई भी काम उत्तेजना के साथ और जल्दी करना पसंद करते हैं। कल्पना और निरीक्षण शक्ति बहुत अच्छी होती है और ये लोग अच्छे रास्ते पर चलने वाले होते हैं। बहुत आकर्षक होते हैं, बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं, हर बात में सबसे ऊपर रहना पसंद करते हैं और अपनी समस्याओं का हल स्वयं ही निकालना पसंद करते हैं। दृढ़ संकल्प वाले, उच्च आचरण वाले होते हैं, परंतु झगड़ा या बहस होने पर अपनी बात पर अडिग हो जाते हैं। जो भी काम हाथ में लेते हैं उसको शीघ्र ही समाप्त कर देने के लिए उत्सुक रहते हैं। भावुक स्वभाव के होते हैं और अगर कोई इन पर उपकार करे तो ये उसका उपकार कभी नहीं भूलते। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, भाग्य से ज्यादा कर्म पर विश्वास रखते हैं। जिद्दी होने के साथ हमेशा परिवार में किसी न किसी सदस्य से खटपट चलती रहती है। बहुत मेहनती होते हैं, अपनी चाहत को ये किसी भी कीमत पर हासिल कर लेने की इच्छा रखते हैं। बड़े खुददार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जैसे को तैसा वाले स्वभाव पर यकीन करते हैं और मेष राशि वाले लोगों के स्वभाव से सभी खुश रहते हैं। इनका विरोध ज़्यादा लोग नहीं करते, सौम्य स्वभाव के दम पर अपने सभी काम करवा लेते हैं, सबके हितैषी बने रहते हैं। इनकी ये विशेषता होती है कि जितनी जल्दी क्रोध में ये लोग आते हैं उतनी जल्दी ही शांत भी हो जाते हैं। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति होते हैं, भविष्य के प्रति इनका नज़रिया अच्छा होता है, खुद पर बहुत विश्वास रखते हैं और कभी भी लाभ कमाने के लिए झूठ का सहारा ज़्यादातर नहीं लेते। इनका स्वभाव हमेशा एक जैसा रहता है, ये अपने दिल में कुछ भी छुपा कर नहीं रखते, जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में अपने मनचाहे साथी की तलाश करते हैं, लेकिन कम ही मेष राशि वाले लोग ऐसे होते हैं जिनको मनचाहा साथी मिल पाता है और मेष राशि के जातक कई बार अभिमानी भी देखे जाते हैं और इन्हें आप तोहफे इत्यादि देकर खुश नहीं कर सकते। प्रेम में मेष राशि के जातक अपने प्रेमी प्रेमिका को बहुत ही उदार स्नेह, कभी कभी अतिरिक्त स्नेह लुटाने वाले होते हैं और मेष राशि के जातक जो होते हैं अपने जीवन साथी के साथ, यानी अपने पति या पत्नी के साथ भी बहुत ही सक्रिय रहते हैं और आकर्षक देखना चाहते हैं अपने जीवन साथी को। प्रेम में बहुत आश्वासन चाहिए होता है इनको और पति पत्नी के निजी संबंधों के मामले में भी ये लोग काफ़ी आदर्शवादी होते हैं, जिसके चलते इनके रिश्ते में कई बार काफ़ी अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं। इनको समाज में इज्जत और सम्मान के साथ देखा जाता है और ये प्रेम के मामले में काफ़ी ईमानदार भी होते हैं। इनका वैवाहिक जीवन सफल रहता है, जिसे प्रेम करते हैं उसका जीवन भर साथ निभाते हैं। अपने जीवन साथी के प्रति इनका प्रेम सच्चा होता है, कहना चाहिए कि साथ निभाने वाले होते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं मेष राशि वाले। चलिए मित्रों, मेष राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करते हैं। मित्रों, ये वार्षिक राशिफल हम शनि, गुरु, राहु और केतु ग्रहों के गोचर के आधार पर आपको बतलाएंगे और सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर हम मासिक राशिफल आपको प्रत्येक महीने देते हैं। यहाँ पर हम शनि, गुरु और राहु केतु के गोचर के आधार पर वर्ष 2024 में आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कि मेष राशि वालों के किन किन भाव में
शनि गुरु राहु और केतु का गोचर रहेगा वर्ष 2024 में। तो शनि देव जो है आपके दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव में स्वराशि के होकर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। पूरे वर्ष यहीं पर उनका गोचर रहेगा। पंचम भाव पर दृष्टि भी रहेगी उनकी, सप्तम दृष्टि। राहु 12वें भाव में रहेंगे, मीन राशि में पूरे वर्ष गोचर रहेगा। केतु आपके 6ठे भाव में कन्या राशि में पूरे वर्ष गोचर में रहेंगे और जो गुरुदेव हैं वो दो राशियों में गोचर करेंगे। पहले मेष राशि में रहेंगे और 1 मई 2024 से वृषभ राशि में गोचर करेंगे और वृषभ राशि में वो फिर पूरे वर्ष बने रहेंगे 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक। तो इस तरह की ग्रह गोचर रहेगी शनि गुरु राहु और केतु की मेष राशि वाले लोगों के लिए। चलिए अब सबसे पहले हम आपके प्रेम संबंधों की बात करते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में वर्ष 2024 में मेष राशि वालों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखकर चलना है कि मेष राशि वालों के प्रेम संबंधों में रोमांटिक समय ज्यादा रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में ईमानदारी की बात भी ज्यादा होगी। शनि देव की दृष्टि पूरे वर्ष पंचम भाव पर बनी रहेगी और शनिदेव बहुत ही न्यायप्रिय होते हैं। शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर रहने का मतलब है अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो आपके प्रेम संबंधों में वाद विवाद अवश्य होंगे, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार हैं, यानी आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध नहीं हैं, तो आप देखेंगे प्रेम संबंधों में आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी और संबंध भी आपके ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। रोमांटिक समय तो रहेगा ही, पूरे वर्ष रोमांस रहेगा। अगर 2024 में ही कोई नए प्रेम संबंध होते हैं तो वहाँ पर तो फिर आपको बहुत अच्छे परिणाम पूरे वर्ष देखने को मिलेंगे, और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर भी पूरे वर्ष अच्छे ही परिणाम मिलने वाले हैं। शनि गुरु राहु और केतु के गोचर के आधार पर परिणाम अच्छे ही मिलेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाएंगी। व्यर्थ की बातों को बड़ा बिल्कुल ना करें, वरना फिर वो ज्यादा होंगी और ज्यादा होंगी तो वाद विवाद बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। प्रेम संबंधों के लिए जितना ज्यादा अच्छा समय है, रोमांटिक समय है, उतना ही आप ये भी ध्यान रखकर चलें कि गलतफहमियां और शंकाओं के लिए भी भरपूर समय रहेगा, यानी गलतफहमियां और शंकाएं भी ज्यादा हो सकती हैं और छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती हैं, उनका आपको ध्यान रखकर चलना होगा। अगर आप अपने साथी पर भरोसा करते हैं, प्रेम संबंधों में ईमानदार रहते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं करते हैं, शंकाएं नहीं करते हैं, प्रेम संबंधों में ईमानदार हैं, तो आप देखेंगे कि वर्ष 2024 में मेष राशि वालों को फिर पूरे वर्ष प्रेम संबंधों में अच्छे ही परिणाम मिलने वाले हैं, इस बात को आप समझ लें। और अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं और आप छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, शंकाएं करते हैं, गलतफहमियां करते हैं, बिल्कुल भी आपके प्रेम संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। हालांकि प्रेम संबंधों के लिए पूरा वर्ष कुल मिलाकर अच्छा ही दिख रहा है मुझे, प्रेम संबंधों में अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे और आपका रोमांटिक समय भी रहेगा और आप अपने साथी के साथ समय भी गुजारेंगे। बात करें सिंगल लोगों के लिए, तो सिंगल लोगों के लिए आप पूरे वर्ष आप अपने साथी को प्रस्ताव दे सकते हैं, वाणी आपकी अच्छी रहेगी और भाग्य का साथ भी मिलेगा, आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई प्रेमी प्रेमिका आए तो वर्ष 2024 में वो तलाश आपकी पूरी हो सकती है, आपके जीवन में कोई ना कोई प्रेमी प्रेमिका आ सकता है और आपको साथी की तलाश पूरी हो सकती है। तो प्रेम संबंधों में सिंगल लोगों के लिए बढ़िया वर्ष है, वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो अप्रैल तक का समय बहुत बेहतर है। आप अपने साथी को भी मना सकते हैं और आप अपने परिवार को भी मना सकते हैं, आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है या फिर शादी हो सकती है। वर्ष 2024 में पूरे वर्ष ये आपका समय बना रहेगा, आप प्रयास कर सकते हैं, वाणी आपकी अच्छी रहेगी, आप अपने परिवार को और आप अपने साथी को मना सकते हैं। 30 अप्रैल तक के समय में ज़्यादा अच्छा है और उसके बाद भी आपको सामान्य परिणाम तो मिल ही जाएंगे, तो पूरे वर्ष आप प्रयास कर सकते हैं। और वर्ष 2024 में आप देखेंगे मेष राशि वालों के जिनके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे जिनकी शादियाँ भी होंगी या फिर शादी की बात पक्की होगी, तो मेष राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए भी समय अच्छा है। और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी प्रकार का ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं, तो 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है, आप प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं और उसके बाद भी समय अच्छा ही रहेगा, पर वहाँ पर सामान्य परिणाम मिलेंगे, वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं, सफलता मिल सकती है, आप अपने साथी को मना सकते हैं और आपकी दोबारा से संबंध सामान्य हो सकते हैं। प्रेम संबंधों के प्रत्येक क्षेत्र में मेष राशि वालों को अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं और अगर आपके साथी की राशि मेष राशि है, सिंह राशि है या धनु राशि है, तब तो पूरा
अगला वर्ष आपका अच्छा ही जाने वाला है, फिर आपको प्रेम संबंधों में अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। बस जो दो तीन मैंने बातें बताई हैं उनका ध्यान रखकर चलें, अगर आपने उनका ध्यान नहीं दिया तो फिर वाद विवाद हो सकते हैं। यानी गलत फहमियाँ ना करें, शंकाएँ ना करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और आप प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में भी अगर हम देखें तो अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा, वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अप्रैल तक के समय में वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत बेहतर परिणाम है और अगर आप अविवाहित हैं तो उनके लिए भी अच्छा समय है। आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है, भाग्य का साथ मिलेगा और आपको जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। अविवाहित लोगों के लिए वर्ष 2024 में सबसे अच्छा जो समय है वो 30 अप्रैल तक का है और उसके बाद आपको सामान्य परिणाम मिल जाएंगे। कुल मिलाकर अविवाहित लोगों के लिए भी समय अच्छा ही रहेगा। आपके जीवन में भी जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है, कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है, शादी पक्की हो सकती है या फिर शादी हो सकती है। अविवाहित लोगों के लिए भी वर्ष 2024 अच्छा है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध आपके बढ़िया रहेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद चल रहा है और आप उस मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी 30 अप्रैल तक का ज़्यादा बढ़िया समय है। आप प्रयास करें, आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं और आपके साथी के साथ आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। और 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक के समय में भी आप प्रयास कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सामान्य परिणाम मिल जाएंगे, यानी वहाँ पर भी समझौता हो सकता है। लेकिन 30 अप्रैल तक का समय मतभेद समाप्त करने के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं मेष राशि वालों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में शनि गुरु राहु और केतु के गोचर के आधार पर। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो सूर्य भगवान को रोजाना तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और रोजाना ना कर सकें तो रविवार को तो कम से कम अवश्य करें और आप उसमें थोड़ी सी गुड़ डालें, एक लाल फूल डालें और अर्पित कर दें, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। सुबह जल्दी नहा धोकर करें और मंगलवार वाले दिन आप बंदरों को केले खिलाएं, उससे भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें, दोनों उपाय कर सकते हैं या फिर दोनों में से एक उपाय कर लें, मित्रों निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे मेष राशि वालों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।